प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नगर विकास मंत्री AK शर्मा ने किया निरीक्षण, आधिकारिक को डेंगू से निपटने के दिए निर्देश। गाजीपुर में मनोज सिन्हा के पैतृक गांव में कथा कार्यक्रम, रक्षा मंत्री और कृषि शिक्षा मंत्री रहेंगे मौजूद। मऊ में वॉलीबॉल चैंपियनशिप का आयोजन, कार्यक्रम में डिप्टी CM होंगे मौजूद। बुलंदशहर में महिला सफाई कर्मियों के साथ मारपीट, पुलिस ने आरोपियों को किया गिरफ्तार। रायबरेली में मिला तालाब में अज्ञात युवक का शव, पुलिस जांच में जुटी। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, मैं हूं मनीष भदौरिया। शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश की खबरों से। गोला उपचुनाव में भाजपा को प्रचंड जीत मिली है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है, जिसमें बड़ी संख्या में पार्टी के कार्यकर्ता पदाधिकारी भाजपा कार्यालय पर ढोल नगाड़ों की गूंज के बीच पटाखे चलाते हुए नजर आए। साथ ही जीत का जश्न में पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं कार्यकर्ता भी शामिल हुए, तो जिसकी तस्वीर प्रदेश के सामने आ रही है उसे साफ जाहिर हो रहा है कि भाजपा अपनी जीत से काफी खुश दिखाई पड़ रही है। समाजवादी पार्टी के विनय तिवारी बड़े अंतर से BJP के प्रत्याशी अमन गिरी से हार गए हैं। हार के बाद सपा प्रमुख ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि उपचुनाव में लोकतंत्र की हार हुई है। उन्होंने इस चुनाव में धांधली के भी आरोप लगाए। आपको बता दें कि उपचुनाव में भारी मतों से BJP के अमन गिरी विजय प्राप्त किए हैं और सपा के विनय तिवारी हार गए हैं। आज प्रदेश कार्यालय में बड़ी धूमधाम से इस खुशियों को मनाया गया है। पटाखों के साथ मिठाइयां बांटकर पदाधिकारी और कार्यकर्ता वहां पर झूम उठे, एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर देखा जा रहा है। वहीं अखिलेश यादव ने तंज कसते हुए कहा कि ये धांधली की गई है इस पूरे चुनाव में। गोला गोकर्ण में BJP की प्रचंड जीत, उपचुनाव में पंचर हुई साइकिल। गोला केरल में BJP को बड़ी सफलता हासिल हुई है, एक प्रचंड जीत के साथ अमन गिरी विजय हुए हैं। लखीमपुर खीरे से धीरज तिवारी हमारे साथ मौजूद है संवाददाता में, और लखनऊ से विभांशु इस समय हमारे साथ मौजूद हैं। गोला के उपचुनाव में बड़ी जीत हासिल की है अमन गिरी ने। कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों में जश्न का माहौल है, पटाखे जलाए जा रहे हैं, मिठाई बांटी जा रही हैं। क्या कहेंगे आप लखीमपुर से धीरज जी? देखिए बिल्कुल मनीष जी, आपको बता दूं पूरी तरीके से अमन गिरी के एक शानदार जीत हासिल करने के बाद में 34,298 मतों से विजयी हुए। उसके बाद में मुख्यालय से लेकर गोला विधानसभा के ग्रामीण क्षेत्रों में भी एक हर्ष उल्लास के साथ, पूरी जोश के साथ कार्यकर्ता व ग्रामीण जश्न मना रहे हैं। जश्न इस तरीके से मनाया जा रहा है कि वोट और गुलाल के तो आप बात ही छोड़ दीजिए, बुलडोजरों के साथ में, बुलडोजरों पर सवार होकर कार्यकर्ता पूरी तरीके से रोडों पर, चौराहों पर धूमधाम से जश्न मना रहे हैं। मुख्यालय पर भी पूरी तरीके से, जो जिला मुख्यालय पे पूरे कार्यकर्ता पूरी धूमधाम से जश्न मना रहे हैं जी। जिसको लेकर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दोनों डिप्टी CM ने भी अमन गिरी को बधाई संदेश दिया है। वहीं जो आम जनता है जिसने अपना मत दिया है उसको भी धन्यवाद दिया गया है। धीरज, जीत की खबर आते ही वहां पे जश्न का माहौल हो गया, कार्यकर्ता झूम उठे, ढोल नगाड़ों के साथ वहां पे पटाखे दगाए जाने, मिठाइयां बांटी जाने लगी। फिलहाल वहां पे आम जो कार्यकर्ता था BJP का, उसकी कितनी खुशी आपको देखने को मिल रही थी, और आपने जब उनसे बात की है तो उनका क्या कहना था इस पे? जी देखिए बिल्कुल, जिस तरीके से आज कार्यकर्ता अपनी खुशी जाहिर कर रहा है, अमन गिरी एक युवा प्रत्याशी है, युवा गोला विधानसभा को आज एक युवा प्रत्याशी
जो था उसको विजय मिली है, तो कहीं ना कहीं ये एक जरूर जो युवा वोटर था उनके लिए खुशी का माहौल है, और कार्यकर्ता की तो जो जो इस तरह हर्ष उल्लास के साथ ढोल नगाड़ों के साथ खुशी मना रहे, ये एक देखने योग्य खुशी है। धीरज अब आप थोड़ा सा रुकिएगा, हम चलते हैं विभांशु के पास जो कि हमारे इस समय बीजेपी प्रदेश कार्यालय से उनके पास जो जानकारी आ रही है उनसे भी साझा कर लेते हैं। विभांशु आज क्या माहौल रहा बीजेपी प्रदेश कार्यालय में, क्योंकि जब जीत का अनाउंसमेंट हुआ है उसके बाद तो बड़ी संख्या में वहाँ पे कार्यकर्ता और पदाधिकारी मौजूद हुए, वहाँ पे ढोल नगाड़ों के साथ जैसा कि स्क्रीन पे देख पा रहा हूँ मैं पटाखे दगाए जा रहे हैं और मिठाइयाँ बांटी जा रही हैं, इसको लेके आपके पास क्या जानकारी है? जी मनीष जी, आपको बता दें कि लखीमपुर के गोला उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी अमन गिरी के जीत के बाद जो राजधानी लखनऊ का प्रदेश कार्यालय है वहां भारी संख्या में पदाधिकारी और कार्यकर्ता एकत्रित होकर ढोल नगाड़े बजा रहे थे, साथ ही साथ अगर बात की जाए तो पटाखे भी छोड़ रहे थे और देखा जाए तो साथ ही साथ होली भी खेल रहे थे। कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये जीत बीजेपी के लिए सीआईसी मायनों के हिसाब से देखें तो ये बहुत बड़ी जीत है, क्योंकि माना ये जा रहा है कि भूपेंद्र सिंह चौधरी के जीतने के बाद जब से उनको प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया गया है तब से ये पहली जीत है। वहीं अगर बात की जाए तो समाजवादी पार्टी के खेमे में कहीं ना कहीं आज निराशा छाई हुई है, क्योंकि समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह के अंत्योष्टि के बाद यानी कि स्वर्गवास के बाद ये पहला चुनाव था जिसमें समाजवादी पार्टी को करारी शिकस्त मिली है। आपको बताया कि लखीमपुर के गोला उपचुनाव में जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी थे अमन गिरी, उन्होंने लगभग 34,000 वोटों से समाजवादी पार्टी के विनय तिवारी को करी शिकस्त दी। अगर बात करें वोटों की तो लगभग अगर देखें तो 1,24,000 के करीब अमन गिरी को वोट मिले, वहीं अगर बात की जाए विनय तिवारी की तो 90,000 वोट मिले। वहीं आपको बताया मनीष जी कि कहीं ना कहीं देखा जाए तो समाजवादी पार्टी इस चुनाव में पूरे सक्रियता के साथ नजर नहीं आई, वहीं अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री साथ ही साथ प्रदेश अध्यक्ष तमाम लोगों ने लखीमपुर के इस उपचुनाव में गोला सीट पर उपचुनाव में जाकर अपने भारतीय जनता पार्टी के प्रति समर्थन मांगा, साथ ही साथ कहीं ना कहीं देखा जाए तो इस मेहनत का नतीजा है कि भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार अमन गिरी भारी मतों के साथ विजय हुए हैं। वहीं आपको बताएं कि कहीं ना कहीं देखा जाए तो योगी सरकार 2.0 आने के बाद जो भी चुनाव हुए हैं उपचुनाव उसमें भारतीय जनता पार्टी को सफलता हासिल हुई है। चाहे बात की जाए जब आजम खान और अखिलेश यादव अपनी लोकसभा सीट को छोड़े थे तो वहां पे उपचुनाव हुआ और दोनों जगहों पर भारतीय जनता पार्टी को मजबूती के साथ जीत मिली थी। वहीं मैं मनीष जी आपको बताया कि हाल फिलहाल की अगर बात की जाए तो मैनपुरी में लोकसभा सीट पर उपचुनाव है, साथ ही अभी अगर देखें तो रामपुर में आजम खान की ऐसे विधायक की सदस्यता रद्द होने के बाद वहां भी उपचुनाव है और अगले महीने चुनाव है। इस जीत के सियासी मायने ये भी निकाले जा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का जो मनोबल है वो इस जीत से बढ़ेगा और जो आने वाले उपचुनाव है रामपुर और मैनपुरी में वहां पे भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मजबूती से काम करते हुए नजर आएंगे। वही आपको बताया कि मुलायम सिंह के निधन के बाद वही मैं कहना चाह रहा था कि प्रदेश की जो तस्वीर सामने आ रही है इसे जाहिर है कि भाजपा कहीं ना कहीं जीत से काफ़ी खुश नज़र आ रही है, और जैसा कि सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव के देहांत के बाद कहीं ना कहीं सोचा जा रहा था कि एक सिंपैथी के तौर पे बीजेपी को कहीं ना कहीं इसका नुकसान हो सकता है, लेकिन वो कहीं से भी नज़र नहीं आ रहा है। धीरज आपके पास चलते हैं, वहाँ पर आपने जो माहौल देखा आपको कितनी उम्मीदें थी कि इस बार अमन गिरी जो हैं इतने बड़े मतों से जीतेंगे और विनय तिवारी इतने बड़े मतों से हार जाएंगे, ये थोड़ा सा गणना आपको कैसा लगता है वहाँ पे जब आपने वहाँ की जनता से बात कर रहे थे, वहाँ के कार्यकर्ताओं से आपने बात करी, पदाधिकारियों से बात करी, क्या उनको भी इसकी उम्मीद थी कि इतनी बड़ी मतों से वो जीत जाएंगे? ये आपको बताना चाहूंगा कि जो गोला गोकर्णनाथ विधानसभा सीट पर रिक्त होने के बाद में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने अमन गिरी को प्रत्याशी बनाया था तो ये एक युवा प्रत्याशी थे, उसके बाद में जब हमारी कार्यकर्ता या विधानसभा क्षेत्र के वोटरों से हमारी बात होती थी तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से विपक्ष भी पूरी तरीके से अपनी ताकत झोंक रहा था चुनाव में चुनाव प्रचार में, तो कहीं ना कहीं वोटरों से जब बात तो दबी जुबान से वोटर जरूर कहते थे कि ये अब एक
चुनाव है, रण है, लेकिन कहीं ना कहीं ये एक सामना है युवा प्रत्याशी का। और ये जो विनय तिवारी जो सपा से प्रत्याशी थे वो मजे हुए प्रत्याशी थे, पूर्व विधायक भी थे, तो लेकिन जिस तरीके से विधानसभा के वोटरों ने अमन गिरी पर विश्वास जताते हुए भारी मतों से उनको जीत दर्ज कराई है, और उनके जो पिता अरविंद गिरी थे वो जमीनी नेता माने जाते थे, उनके साथ में जनता थी, वो हर एक व्यक्ति का दर्द अपने जैसा समझ करके लोगों के घर जाते थे, लोगों के दर्द में सहयोग करते थे, उसके जिस तरह से, लेकिन जिस तरीके से ये चुनाव हुआ है, चुनाव में पले इधर से उधर गए, तो ये कहीं ना कहीं जिस तरह कार्यकर्ताओं से हमारी बात होती रहती, तो कार्यकर्ता ये जरूर कह रहे थे कि जीत भारतीय जनता पार्टी की होगी, लेकिन ये एक दबी जुबान से चर्चा हो रही थी। जी दीदी, गोला के रण में बीजेपी की जीत हुई है, प्रचंड जीत मानी जाएगी। विमांशु, आपको क्या लगता है, अखिलेश यादव कहीं ना कहीं उन्होंने तंज कसा है कि इसमें कहीं ना कोई धांधली का आरोप भी उन्होंने लगाया है, तो इस समय आपको क्या लगता है सपा के खेमे में कितनी निराशा है, क्योंकि कुछ चुनाव अभी और भी होने हैं उपचुनाव। जी मनीष जी, आपको बताया कि समाजवादी पार्टी की तरफ से मुख्य प्रवक्ता राजेंद्र चौधरी ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हुए उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी कदम कदम पर इस चुनाव में धांधली की है, और साथ ही साथ अखिलेश यादव का इस पे बयान आया है कि ये लोकतंत्र की हत्या है, और कहीं ना कहीं उनकी तरफ से जो समाजवादी समर्थक है उनका कहना है कि अखिलेश यादव अपनी पिता की मृत्यु की वजह से इस चुनाव में एक्टिव नहीं हो पाए। वहीं अगर बात की जाए भारतीय जनता पार्टी के 29 स्टाफ प्रचारक लखीमपुर के गोला गोकरनाथ सीट पर प्रचार करते हुए नजर आए, वहीं अगर समाजवादी पार्टी की बात करें तो समाजवादी पार्टी के मुख्य प्रवक्ता राजेंद्र चौधरी विनय तिवारी के लिए समर्थन मांगते हुए इकलौते नजर आए, और कहीं ना कहीं चुनाव में जो सक्रियता है समाजवादी पार्टी की वो कम नजर आई, और माना यह जा रहा था कि ये कांटे की टक्कर होगी, क्योंकि अगर देखा जाए मनीष जी तो समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी दो ही दल सक्रियता के साथ इस चुनाव में नजर आए थे। वहीं अगर बात की जाए बसपा और कांग्रेस के कोई उम्मीदवार इस बार मैदान में नहीं थे, तो माना यह जा रहा था कि कांटे की टक्कर होगी, मगर कहीं ना कहीं यह भी पॉइंट नजर आ रहा है कि अमन गिरी के साथ जो सहानुभूति की लहर थी उनके पिता की मृत्यु के बाद, क्योंकि उनके पिता हमारे सहयोगी ने भी बताया कि वो क्षेत्र में सबकी समस्याओं को सुनते थे, जानते थे, और लोगों के बीच हमेशा अपना समन्वय बनाकर चलते थे, और साथ ही जो अमन गिरी हैं वो कहीं ना कहीं अपने पिता के साथ एक्टिव नजर आते थे, और साथ ही अगर बात की जाए तो अभी हाल अगर देखें तो 2022 के जब विधानसभा चुनाव हुए उसमें अमन गिरी अपने पिता के साथ कंधों से कंधा मिलाकर काम करते हुए, अपने पिता के लिए मेहनत करते हुए नजर आए, और कहीं ना कहीं देखा जाए तो एक शिक्षक नेता जो कि 1996 में पैदा होता है और बीए ऑनर्स की लॉ से पढ़ाई करता, बीए लॉ की पढ़ाई करता है, और उसके बाद अपने पिता की सीट पर उपचुनाव में हिस्सा लेकर, और भारतीय जनता पार्टी जैसे अगर देखा जाए तो देश की सबसे विश्व की सबसे बड़ी पार्टी से टिकट पाकर, और वापस कहीं ना कहीं जीत का जो सहरा है वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में कमल खिलाकर, और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का विश्वास और मजबूत किया है, और आने वाले समयों में ये देखना होगा कि चुनौती होगी अमन गिरी के लिए, क्योंकि उनके पिता के जो उन्होंने कहा कि जो अधूरे काम है उसको हम पूरा करेंगे, उनके पदचिन्हों पर चलेंगे, साथ ही साथ जो उनके पिता का राजनीतिक धरोहर था वो कितना संभाल पाते हैं वो आने वाले दिनों में पता चलेगा, मगर कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी बस आरोप और प्रत्यारोप के दौर ही खेलते इस चुनाव में नजर आई, जमीन पर कहीं ना कहीं उसके कार्यकर्ता अलग थलग नजर आए, जिसका नतीजा चुनाव के परिणामों में नजर आता है। जी मनीष जी, अभी आजम खां की सीट पर भी उपचुनाव होने का और मैनपुरी की सीट पर उपचुनाव होने के आसार हैं, फिलहाल कहीं ना कहीं प्रदेश सरकार से बहुत खुश नजर आ रही जनता, और ये जग जाहिर है कि जो आज उपचुनाव में इतनी बड़ी सफलता, इतनी बड़ी प्रचंड जीत आनंद अमन गिरी को मिली है। फिलहाल इस खबर पर धीरज और विभांशु, आपका जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
यूपी के लखीमपुर खीरी के गोला उपचुनाव में एक बार फिर से बीजेपी का दबदबा देखने को मिल रहा है, जहां बीजेपी प्रत्याशी अमन गिरी ने भारी बहुमत से जीत हासिल कर ली है, कमल खिलाया है। वहीं सपा के विनय तिवारी को करारी हार का सामना करना पड़ा है। बता दें कि 33,000 वोटों से अमन गिरी ने जीत हासिल की है। बीजेपी प्रत्याशी अमन गिरी के जीत के बाद बधाइयों का तांता लग गया है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। आप एमएलए बने हैं, आपसे पहले मैं भारतीय अपने गोला विधानसभा क्षेत्र के सभी निवासियों का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त। हमारी जीत नहीं है, पिताजी की जीत है, उन्हीं का इलेक्शन था, उन्हीं का इलेक्शन है, और हमेशा से ही उन्होंने जब भी इलेक्शन लड़ा है हमेशा चुनाव में वोटों में उनकी बढ़ोतरी हुई है, और इस बार भी उन्होंने। माननीय अरविंद गिरी, स्वर्गीय अरविंद गिरी की सच्ची श्रद्धांजलि है और गोला जनता की ये जीत है। एक बार फिर से जनता ने युवा प्रत्याशी पर भरोसा जताया है, तो क्या ऐसा होगा जो जनता ने जताया है? नहीं, भैया ने जो काम किए थे और भाईचारा किया था, एक ही नारा भाईचारा, उसी पर ये चुनाव लड़ा गया है, और सभी मतदाताओं को हम आदरिक धन्यवाद देते हैं। इसका श्रेय जनता को देंगे जिन्होंने हमको वोट देकर के जिताया है। पूरे भोलेनाथ शंकर की नगरी गोला गोकर्णनाथ खीरी के लोगों ने आशीर्वाद दिया है, ये पूरा श्रेय उस जनता को जाता है जिन्होंने हमको वोट दिया। जीत के बाद अब आगे की विकास कार्य की रणनीति आप? पूरा विकास होगा, जो अरविंद गिरी जी के अधूरे सपने थे उनको उनका बेटा और हम मिलकर के पूरा करेंगे, और जो भी जिन लोगों ने सहयोग किया, जिन लोगों ने जिताया, उनके लिए हर समय हम खड़े रहेंगे। ना धूप देखेंगे, ना छाया देखेंगे, ना गर्मी, ना सर्दी, साथ ना तो ना आंधी। जब जब जिस गरीब को जरूरत पड़ेगी हम उसके लिए खड़े रहेंगे। पूरी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी, पूरा संगठन उनके साथ खड़ा है। गोला की सम्मानित जनता, सभी कार्यकर्ता मित्र, हमारे सभी पदाधिकारी, प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी को और देश के प्रधानमंत्री आदरणीय योगी जी मोदी जी को इसका पूरा श्रेय देंगे। विकास की लहर पहले उसमें हैदराबाद विधानसभा में 3 बार और 2 बार गोला विधानसभा में उन्होंने जो विकास अपना करा, उस विकास के ही चलते जनता उनसे जुड़ी हुई थी। हर धर्म सर्वधर्म को लेकर वो चले, उनका एक ही नारा था, एक ही नारा भाईचारा। विकास पुरुष कहलाते थे, उनके बेटे अमन गिरी में भी वही पब्लिक को, जनता को एक चीज़ वो दिखी, और जनता ने पूरा अपना भरोसा उस परिवार पे जताया, और अमन गिरी के पक्ष में भारी मतदान करके अमन गिरी को पहली बार गोला विधानसभा में उसने विधानसभा तक पहुंचाने का काम किया। और हम लोग पूर्ण आशा करते हैं कि अमन गिरी के विधायक जी के जो सपने थे, जो भी अधूरे काम थे, उन अधूरों कामों को, उन अधूरों सपनों को अमन गिरी बहुत अच्छी तरह से पूर्ण रूप से उनको करेंगे। जो भी विकास कार्यों का सपना मानी अरविंद गिरी ने देखा था उन सबको पूरा करेंगे, और मानी योगी जी ने जो खाका खींचा है उन सबको पूरा करने का संकल्प है हमारे, हम पूरा करेंगे, और जनता जनता को अपेक्षा पर हम खरा उतरेंगे, जनता को निराशा नहीं। नगर विकास मंत्री ए के शर्मा ने लखनऊ में डेंगू प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान ए के शर्मा ने स्थानीय लोगों से बातचीत भी की और वार्डों में डेंगू मरीजों का हालचाल भी जाना। साथ ही उन्होंने डेंगू से रोकथाम से संबंधित अधिकारियों को महत्वपूर्ण दिशा निर्देश भी दिए हैं। संभल में भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के निवर्तमान जिला अध्यक्ष सैयद शान अली के नेतृत्व में पूर्व मंत्री हज कमेटी अध्यक्ष और प्रभारी मोहसिन रजा ने नगर निकाय चुनाव में पहली बार आगमन पर पुष्प वर्षा कर और माला पहनाकर स्वागत किया। इस दौरान वक्फ विकास निगम के डायरेक्टर इमरान अहमद तुर्की सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ताओं के साथ वहां मौजूद रहे। लखीमपुर खीरी में दवा लेने गई दलित युवती का दुष्कर्म हुआ है। दरअसल झोला छाप बंगाली डॉक्टर ने युवती के साथ दुष्कर्म किया। बाद में घटना के बारे में किसी को भी जानकारी देने पर जान से मारने की धमकी भी दी, लेकिन फिर पीड़िता ने पुलिस को मामले पर तहरीर दी है। ये घटना मितौली थाना क्षेत्र की है।
गणेशपुर में राजा डॉक्टर का इलाज करवाया रहा हूँ दवा ले, उसको कहना पर्चा लिख दी, पापा ले चले गए कस्ता गए, फिर डॉक्टर हमारे साथ गलत जबरदस्ती की और उसको कहना फिर चले गए, फिर उसके बाद में फिर से दवा ले आया तो कहीं पेट में तुम्हारे पहले कहने तुम्हारे पेट में कट है कहियो फेफड़ा तुम्हारा सूख गया है, तब फिर उसको कहना तो कहें ठीक है इलाज कर देवा, ठीक है जी जब इलाज हुई गया ठीक हुई गया उसके बाद में कहें तुम्हारे पेट में बच्चा है। महिला सफाई कर्मी के साथ हुई मारपीट और गाली गलौज करने वाले युवक की गिरफ्तारी के लिए सफाई कर्मियों ने सिकंदराबाद कोतवाली पर विरोध प्रदर्शन किया है। पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर आरोपी के खिलाफ उचित कार्रवाई का आश्वासन भी दिया। हमारे कर्मचारी पत्थरवाड़ा पर सफाई कर रही थी, लता बहन जी नगर पालिका में सफाई कर्मचारी है, वो तो उनके साथ वो सफाई करती करती वो एक मकान में से उतरी, मोमडन है वो, उन्होंने बदतमीजी करी, उन्होंने कही क्या बात है मैं करता रही हूँ, उनसे लिपटम चिपटा हो गई, उनके दो लड़के और हैं वो भी लिपट गए तीनों जने, कई बार आगे भी होगी है, पहले से भरतवाली में यहाँ रिपोर्ट के लिए ही आए हैं, तारीख दे दी है 11 बजे बुलाया है और तारीख के लिए। बुलंदशहर में अहमदगढ़ थाना क्षेत्र के नगला हजरतपुर में दो पक्षों में जमकर मारपीट हो गई है। आपको बता दें कि दबंगों ने फायरिंग की है जिसमें दो लोगों को गोली लगने की सूचना मिली है, वहीं घायलों को पुलिस ने अस्पताल में भर्ती कराया जिसके बाद पुलिस आगे की जांच में जुट गई। तो आप कहां पर लाए मतलब इन्हें इलाज के लिए? गांव नगला हजरतपुर थाना क्षेत्र अहमदगढ़ के रहने वाले रोबिन पुत्र मुकेश ने अहमदगढ़ पुलिस को सूचना दी कि उसी के गांव के रहने वाले विभिषु द्वारा पुरानी रंजिश को ले चलते उसे व उसकी मां को गोली मार दी है। तत्काल घटनास्थल पर पुलिस पहुंची और उनके इलाज हेतु अस्पताल ले जाया गया। घायल रोबिन का पिता मुकेश थाना अहमदगढ़ का मजारिया हिस्ट्रीटर है और जिन विभिषुओं पर रॉबिन द्वारा गोली मारने का आरोप लगाया जा रहा है उनके पिता की हत्या के आरोप में जेल में है। घायल रॉबिन का स्वयं का भी एक लंबा चौड़ा आपराधिक इतिहास है, प्रथम दृष्टया घटना संदिग्ध प्रतीत हो रही है, सभी पहलुओं पर जांच कर विधिक कार्रवाई की जाएगी। रायबरेली में एहार गांव में तालाब में एक अज्ञात युवक का शव मिला, इस शव मिलने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। आपको बता दें कि सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जिसके बाद पुलिस आगे की जांच में जुट गई। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के पैतृक गांव गाजीपुर में श्री भगवत कथा कार्यक्रम आयोजित की जा रही है। इस कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और कृषि शिक्षा और अनुसंधान मंत्री सूर्य प्रताप शाही मौजूद रहेंगे। इसके बाद अष्ट शहीद इंटर कॉलेज में कार्यक्रम में भी हिस्सा लेंगे। ग्रेटर नोएडा में थाना बिस्कर क्षेत्र में वेस्ट निराला बिल्डिंग के खिलाफ रेजिडेंट्स के साथ सैकड़ों की संख्या में लोगों ने जोरदार प्रदर्शन किया है, साथ ही बिल्डर के खिलाफ नारे लगाए हैं। आपको बता दें कि पिछले कई दिनों से बिल्डर से मूलभूत सुविधाओं की मांग की जा रही थी, मांग पूरी ना होने से गुस्साए लोगों ने बिल्डर के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। मुद्दे तो बहुत सारे हैं, एक तो मेंटेनेंस की सर्विसेज से और बिल्डर के सारी सर्विसेज से सारे लोग त्रस्त हैं, ठीक है, क्योंकि सभी लोगों का हार्ड अर्न मनी है और सब मेंटेनेंस के लिए पैसा पे कर रहे हैं हर महीने, लेकिन जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो मूलभूत सुविधाएं भी नहीं मिल पा रही हैं लोगों को। आए दिन यहाँ पर पेट की समस्या हो रही है, डॉग बाइट कर रहा है बच्चों को, कभी बाइट कर रहा है, इसके बारे में आज तक कभी इन लोगों ने रूल कोई फॉलो नहीं किया, कभी कोई एक्शन नहीं लिया। दुनिया भर की प्रॉब्लम्स सोसाइटी में है, गंदगी है, आए दिन यहाँ पे डेंगू के कई केसेस निकल रहे हैं, बहुत सारी समस्याएं हैं पर कोई ध्यान देने को तैयार नहीं है। ब्यूटिफिकेशन के नाम पे सिर्फ जीरो है, ना आउटसाइड में क्लीनिंग हो रही है ना इनसाइड में क्लीनिंग हो रही है। सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो इनर सर्कल में कहीं भी कैमरा नहीं है, कभी भी कुछ भी हादसा हो सकता है। मऊ में पहली बार वॉलीबॉल चैंपियनशिप में महिला और पुरुष वॉलीबॉल चैंपियनशिप का आयोजन किया गया है। आपको बता दें कि समिति के अध्यक्ष उत्पल राय ने बताया कि कार्यक्रम का उद्घाटन 9 नवंबर को होगा। इसी कार्यक्रम में डिप्टी सीएम बीएस पाठक समेत कई दिग्गज नेता मौजूद रहेंगे। कार्यक्रम के समापन एवं पुरस्कार वितरण के अवसर पर
नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री ए के शर्मा जी मुख्य अतिथि के रूप में वहां मौजूद रहेंगे। पूरे प्रदेश के प्रत्येक जिले से जो छन कर जो टीमें आती हैं चुनी हुई वो यहाँ पे पार्टिसिपेट करती है। ये हर साल करके होता है? हाँ, ये हर साल होता है, लेकिन विभिन्न जिलों में, मऊ जनपद में मऊ का गौरव ये है कि पहली बार ये प्रतियोगिता हो रही है। कुशीनगर में जिला आबकारी अधिकारी राजवीर सिंह के निर्देशन में आबकारी निरीक्षक के नेतृत्व में अवैध कच्ची शराब बनाने वालों पर छापेमारी कर छापेमारी से शराब की कारोबारी और में हाहाकार मच गया है। आपको बता दें कि आबकारी निरीक्षक अरुण कुमार सराहनीय काम के लिए काफी चर्चा में है। छापेमारी के दौरान पकड़े गए कारोबारियों पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। फरीदाबाद में सिकरी गांव के एक शमशार कर देने वाली घटना सामने आई है। पड़ोसियों ने सरकारी टीचर के घर में घुसकर बेरहमी से मारपीट कर दी है। आपको बता दें कि सूचना पर पहुंची पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है, लेकिन अभी तक इस मामले में किसी भी की भी गिरफ्तारी नहीं की गई है। वहीं पुलिस ने घायल टीचर को घायल अस्पताल में भर्ती कराया है। मैं गांव जी सीकरी है और मैं अपने घर पे था जी, और मैं अपने बच्चों के साथ था। मेरी घरवाली दुकान चलाती है, मैं सरकारी मास्टर हूँ, मेरी ड्यूटी जीपीएस लड़ौली विलेज में है जी। और उस दिन छुट्टी थी और मैं घर पे था, रात्रि 8:30 बजे के आसपास टाइम था। और हमारे जो पड़ोसी थे और ये प्री प्लान के, तो वो काफ़ी दिनों से लड़ने के लिए प्लानिंग बना रहे थे और हमें इतना अंदाज़ा नहीं था। उस दिन वो अकस्मात लाठी लेके आए और हम पे तुरंत हमारे घर पे हम पे हमला कर दिया। मेरे भाई सब्जी की दुकान चलाता है। तो आपसी दुकान के ऊपर कोई झगड़ा है? कभी 15-20 साल पहले पंचायत की तरफ से ज़मीन अलॉट हुई थी दुकान वगैरह के लिए और सरकार की पॉलिसी के तहत, तो उसमें किसी एक ने कुछ ज़्यादा ज़मीन अधिग्रहण कर लिया था। इस संबंध में पंचायत ने उससे कुछ नोटिस वगैरह दिया था। उसके बाद इनका फिर आपस में भी चाचा ताऊ में झगड़ा हुआ है। उस चाचा ताऊ के झगड़े के संबंध में जो संजय हैं जिनको चोट लगी है, इनकी शिकायत पे मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। फरुखाबाद से आनर किलिंग का मामला सामने आ रहा है। दरअसल अंता नगला की झाड़ियों में युवक युवती का शव मिला है। हत्या के आरोप युवती के परिजनों पर लगे हैं। एसपी अशोक कुमार मीणा ने बताया कि हत्या के आरोपियों ने थाने में सरेंडर किया है और पुलिस ने हत्यारों को निशानदेही पर शवों को बरामद किया है। पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और घटना की उच्च स्तरीय जांच के निर्देश जारी कर दिए हैं। घर पे चैन आए थे रतन लाल, हाँ, और जो बुलाए ले गए ने द्वारे मारपीट की। हमने इनके हाथ जोड़े, पांच हुए हाथ नोरे करे। हमने भैया को गंदी हुई, हमें क्षमा कर दी। जो लोग चार भैया कहें वो समझौता मान ली तुम्हारो, लेकिन इनने मानी नहीं। किन्ने नहीं मानी? भैया लाल ने, हाँ, भैया लेकिन ने, हाँ। हम अपने घर पे भाग के गए, अपनी बीबी के रंग तब तक उठा के मोटरसाइकिल चले गए लेके। भैया लाल का लड़की और महावीर का लड़का, इनका कोई चक्कर होगा आपस में। सुबह हमें 6 बजे हमारे पास महावीर पहुँचे और महावीर की बीवी थी कि हमारे लड़के को भैया लाल उनके लड़के जो है पकड़ ले गए, बहुत मार रहे हैं। तो हमने कहाँ गए कि जय नहीं कहीं पता, तो हमने चलो अभी पता करते हैं। तब तक 10 मिनट बाद पता लगा कि दोनों का मर्डर हो गया। थाना कमालगंज के अंतर्गत नीतू पुत्र भैया लाल निवासी राजपुर सराय मेधा, ये थाने पर स्वयं आकर इसने जानकारी दी कि उसने उसकी बहन और उसके जो प्रेमी रामकरण जाटव है उसकी गला काट कर हत्या कर दी है और डेड बॉडी को फेंक आया है। इस सूचना पर तुरंत पुलिस के द्वारा और अधिकारियों के द्वारा और मेरे द्वारा घटनास्थल पर पहुंचकर जो क्राइम सीन था उसको सुरक्षित किया गया। वहां से सारे एविडेंसेस कलेक्ट किए गए, साथ ही साथ जो डेड बॉडी है उनको मोर्चरी भी भिजवाया गया है। फिलहाल उत्तर प्रदेश की खबरों बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार।
आप देख रहे हैं प्राइम टीवी।